और अब खबर है, सीएम आतिशी को सोनम वांगचुक से मिलने से रोका गया है। वांगचुक से मिलने बवाना थाने गई थी सीएम आतिशी। वांगचुक से मिलने से रोके जाने पर आतिशी भड़क गई। लद्दाख दिल्ली में खत्म हो एलजी राज, ये आतिशी की तरफ से कहा गया। दिल्ली के लोगों का अधिकार छीना जा रहा है, ये आतिशी मालिना ने कहा। दिल्ली की सीएम है, सारे अधिकार एलजी को दिए जा रहे हैं, आतिशी की तरफ से कहा गया। हम वांगचुक का पूरा समर्थन करते हैं, ये आतिशी की तरफ से कहा गया। और वांगचुक से मिलने ही आतिशी गई थी, लेकिन उन्हें मिलने से रोक दिया गया, जिस पर आतिशी भड़क गई। दिल्ली में खत्म हो एलजी राज, ये आतिशी ने कहा। दिल्ली के लोगों का अधिकार छीना जा रहा है, आतिशी की तरफ से ये बात कही गई है। सीएम आतिशी को सोनम वांगचुक से मिलने से रोका गया, जिसके बाद आतिशी भड़क गई। ये वो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जिस वक्त आतिशी मिलने पहुंची थी सोनम वांगचुक से, और जैसे ही वो मिलने पहुंची, बवाना जेल में सोनम वांगचुक बंद है, और वैसे ही आतिशी को रोक दिया गया सोनम वांगचुक से मिलने के लिए। दिल्ली के लोगों का अधिकार छीना जा रहा है, आतिशी ने कहा। और क्या कुछ उस वक्त आतिशी की तरफ से कहा गया, सुनिए जरा। शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे सोनम वांगचुक जी और लद्दाख के लोग, जो कल 2 अक्टूबर को बापू की समाधि पे दर्शन करने जा रहे थे, उनको भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने गिरफ्तार कर लिया। ना सिर्फ इतना, हालांकि पुलिस ने पुलिस स्टेशन में मेरी एंट्री करवाई, उन्होंने मुझे सोनम वांगचुक जी से मिलने नहीं दिया। ये भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही है। हम सोनम वांगचुक जी का पूरा समर्थन करते हैं। लद्दाख में एलजी राज खत्म होना चाहिए, और उसी तरह दिल्ली में भी ये एलजी राज खत्म होना चाहिए।